आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्राओं को सिखाए मार्शल आर्ट के गुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चलाए गए मिशन साहसी का समापन। करनाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर चलाए जा रहे मिशन साहसी का आज मंगलवार को समापन हो गया। आज गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण शिविर लगाकर चार स्कूल की करीब 500 छात्राओं को सामूहिक रूप से आत्मरक्षा के गुर का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में करवाया गया, जिसे परिषद ने छात्रा सप्ताह के रूप में मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मेयर रेणु बाला गुप्ता व विशिष्ट अतिथि अभविप के प्रदेश सहमंत्री गुरदीप राणा मौजूद रहे। भारतवर्ष की बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। परिषद की ओर से इस सप्ताह में चार स्कूलों की करीब 500 छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई है, ताकि उनके अंदर का डर बाहर निकल सके और उनका आत्मविश्वास बढ़े। गुरदीप राणा ने बताया कि परिषद का मकसद यह है कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहकर समय आने पर खुद की रक्षा स्वयं कर सकें। संगठन मंत्री हितेश यादव ने कहा कि अपनी सोच बनाएं और लक्ष्य के लिए संघर्ष करें, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम में 10 वर्षीय श्रुति कादियान ने मार्शल आर्ट की अपनी प्रस्तुति दी, जो आकर्षण का केंद्र रही। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से ईंटें व टाइलें तोड़ सभी को हैरान कर दिया। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के शुभ अवसर पर एबीवीपी की तरफ से मिशन साहसी जो पूरे भारत में चल रहा है, आज करनाल में गुरु तेग बहादुर स्कूल में बहुत सारी बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए, ताकि समाज में उन्हें आगे बढ़ना है। अभी वो उम्र के इस दौर पे है कि उन्हें अपने करियर को भी चुनना है और आगे बढ़कर समाज में अपनी पहचान भी बनानी है। तो इस तरह से मजबूत बनाने के लिए मिशन साहसी किया गया, जिसमें उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाई गई, और मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों ने इसमें प्रशिक्षण लिया और आगे अपने मजबूत इरादों से आगे बढ़ने की जो प्रेरणा एबीवीपी की तरफ से मिली, और गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रिंसिपल महोदया और पूरी टीम ने मिलकर जिस तरह से सहयोग किया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और भारत की नारी इसी तरह से मजबूती से पहले भी और इतिहास में भी और आज भी पूरे समाज का सामना कर सकती है, ये आज दिखाती है कि हम कल्पना चावला की ऐसी धरती पर खड़े हैं जिसने कि भारत में ही नहीं विश्व में हमारे करनाल का नाम चमकाया। आज जो मिशन साहसी का हमारा जो साप्ताहिक जो चल रहा था, इसके हमने 10 स्कूलों को में जाकर प्रशिक्षण दिया। हमारे साथ में टाइकमांडो के और कराटे के जो कोचिज थे, उन्होंने 7 दिन लगातार उन बच्चियों को प्रशिक्षण किया और उनको मन में एक ऐसी भावना को उत्पन्न किया कि वो अब सेफ महसूस करती हैं, ताकि समाज के अंदर जरूरी नहीं कि आप किसी प्रकार से भी काम करो, पर अपने जीवन में एक शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको भी हम नियमित रूप से उभार सकते हैं। और विद्यार्थी परिषद का ये पिछले 2 सालों से अहम चला पूरे देश भर में। अभी हमारा खानपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ हफ्ते पहले हमने 2000 के करीब छात्राओं को प्रशिक्षण दिया था, ताकि वो जरूरी नहीं कि अपने ही सेफ्टी के लिए एक शारीरिक एक ऐसा मन के अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करें कि वो समाज के अंदर सही दृष्टि से काम करें। उद्देश्य सिर्फ लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार या उनको सेफ्टी के प्रक्रिया से उनको आध्यात्मिकता ज्ञान या ऐसी अपने संसार के प्रति कि अपना ही अपना शरीर भी बहुत जरूरी है ऐसा ज्ञान देने के लिए ये उद्देश्य है।